गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग कक्षा दो में आज विज्ञान पढ़ेंगे। पाठ आठ, वायुमंडल और वायु सबके प्राण। वायुमंडल और वायु सबके प्राण, इसको हम लोग बुक के द्वारा पढ़ेंगे। पाठ आठ, वायुमंडल और वायु सबके प्राण। विचार करो, सोचो, जहाँ तुम खड़े हो, बैठे हो या चल फिर रहे हो, तुम्हारे चारों ओर वायु का एक खोल है। इस खोल को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। वायु सभी जगह है, कोई स्थान खाली नहीं है। क्या तुम वायु को भी देख सकते हो? नहीं देख सकते, इसका तो अनुभव ही होता है। वायु में भार होता है, पूरे वायुमंडल के भार को वायु दाब कहते हैं। तेज गति से चलती वायु के दाब के बारे में सोचो। यह पेड़ पौधों को उखाड़ फेंकती है। वायु कुछ गैसों का मिश्रण है, इसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन प्रमुख है। सांस लेने के बाद निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। सांस लेते समय ऑक्सीजन का उपयोग होता है। सभी जीव सांस लेने में यही करते हैं। वायु की ऑक्सीजन वस्तुओं के जलने में सहायता करती है। जलने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे वायु है और इस वायु में ये बच्चा क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पे कपड़ा सूख रहा है। करके देखो, पता करो, गुब्बारे में हवा भरो, बाद में उसका मुंह अपने चेहरे की ओर करके हवा निकलने दो। क्या तुम वायु का अनुभव करते हो? वायु का कोई रंग नहीं है। एक खाली गिलास को भी को किसी बर्तन में रखे जल में उल्टा डुबाने का प्रयत्न करो। गिलास को दबाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। क्यों? अब गिलास को पानी में ही थोड़ा तिरछा करो। गिलास के अंदर वायु उपस्थित थी। यह बुलबुलों के रूप में निकलने लगती है, अर्थात गिलास खाली नहीं था। एक खाली गुब्बारे को तराजू के एक पलड़े में रखो, दूसरे पलड़े में एक और खाली गुब्बारा रखकर सही तौल बराबर करो। अब एक गुब्बारे में मुंह से हवा भरो। हवा भरा हुआ गुब्बारा भारी होता है। अंगीठी में आग कम हो जाने पर पंखे से हवा क्यों की जाती है? जलने के लिए वायु आवश्यक है। जलती हुई मोमबत्ती को एक कांच के जार से ढको। यह बुझ क्यों गई? समझो, याद करो, वायु हर जगह उपस्थित है। नंबर दो, वायु स्थान घेरती है। नंबर तीन, वायु का कोई रंग नहीं होता। नंबर चार, वायु दिखाई नहीं देती, अनुभव की जाती है। नंबर पाँच, वायु में भार होता है। नंबर छः, वायु दाब डालती है। नंबर सात, वायु के ऑक्सीजन सभी जीवों को सांस लेने के लिए आवश्यक है। नंबर आठ, वायु के ऑक्सीजन वस्तुओं के जलने में सहायक है। नंबर नौ, तेज चलती वायु को आंधी कहते हैं। नंबर दस, वायु हम सबका प्राण है। Thank you.
सांस लेते समय ऑक्सीजन का उपयोग होता है और सभी जीवों को सांस लेने के लिए आवश्यक है। नंबर दो, आंधी किसे कहते हैं? उत्तर, तेज चलती वायु को आंधी कहते हैं। प्रश्न नंबर तीन, वायु दाब डालती है, एक प्रयोग द्वारा समझाओ। उत्तर, एक खाली गुब्बारे को तराजू के एक पन्ने में रखो, दूसरे पन्ने में एक और खाली गुब्बारा रखकर सही तौल बराबर करो। अब एक गुब्बारे में मुंह से हवा भरो, हवा भरा हुआ गुब्बारा भारी है। प्रश्न नंबर चार, वायु हमारा प्राण क्यों है? उत्तर, वायु हमारा प्राण, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। प्रश्न नंबर पांच, सांस द्वारा बाहर निकली वायु में कौन सी गैस कम हो जाती है? उत्तर, सांस द्वारा बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम हो जाती है। प्रश्न नंबर छह, सांस लेते समय में अंदर लेने वाली वायु में कौन सी गैस आवश्यक होती है? उत्तर, सांस लेते समय में अंदर लेने वाली वायु में ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। बच्चों, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे।